नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। व्यूअर्स, आज की वार्ता केंद्रित है ध्यान क्या होता है और इससे हमें क्या लाभ की प्राप्ति होती है। मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स, ध्यान एक विश्राम है। यह किसी वस्तु पर अपने विचारों को केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है, अपितु यह अपने आप में विश्राम पाने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हमें अपने किसी भी कार्य को एकाग्रता पूर्ण कर सकते हैं। अक्सर आप में से पूछते हैं कि ध्यान से क्या लाभ होता है। मैं बताना चाहूँगा, ध्यान करने से शांत चित्त, अच्छी एकाग्रता, बेहतर स्पष्टता, बेहतर संवाद, मस्तिष्क एवं शरीर का कार्यकल्प व विश्राम की प्राप्ति होती है। व्यूअर्स, आप में से बहुत से लोगों ने पूछा, ध्यान के क्या स्वास्थ्य लाभ हैं? मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स, ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण तत्व ऊर्जा से भर जाती है। शरीर में प्राण तत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार भी बढ़ जाता है। अगर हम देखें तो ध्यान से शारीरिक स्तर पर कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप का कम होना, रक्त में लैक्टेट का कम होना, व्याकुलता की कमी होना, तनाव से संबंधित शरीर में कम दर्द होना, तनाव जनित सिरदर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द से राहत मिलना, भाव दशा व व्यवहार बेहतर करने में सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है, प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार होना, ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में वृद्धि होना। आइए व्यूअर्स, आगे जानते हैं ध्यान के मानसिक लाभ क्या होते हैं। मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स, ध्यान मस्तिष्क की तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर ले आता है, जिससे चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क पहले से अधिक सुंदर, नवीन और कोमल हो जाता है। ध्यान मस्तिष्क के आंतरिक रूप को स्वच्छ व पोषण प्रदान करता है। जब भी आप व्यग्र, अस्थिर, भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, तब ध्यान आपको शांत करता है। ध्यान के सतत अभ्यास से निम्न मानसिक लाभ प्राप्त होता है। व्याग्रता का कम होना, भावनात्मक स्थिरता में सुधार, रचनात्मकता में वृद्धि, प्रसन्नता में समृद्धि, सहज बोध का विकास होना, मानसिक शांति एवं स्पष्टता, परेशानियों का छूटा होना, ध्यान मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए कुशाग्र बनाता है तथा विश्राम प्रदान करते हुए विस्तारित करता है। बिना विस्तारित हुए एक कुशाग्र बुद्धि क्रोध, तनाव और निराश का कारण बनती है। एक विस्तारित चेतना बिना कुशाग्रता के अकर्मणीय या फिर अविकसित अवस्था की ओर बढ़ती है। व्यूअर्स, कुशाग्र बुद्धि व विस्तारित चेतना का समन्वय पूर्णता लाता है। ध्यान आपको जागृति करता है कि आपकी आंतरिक मनोवृत्ति ही प्रसन्नता का को निर्धारण करती है। व्यूअर्स, अक्सर ये भी पूछा जाता है कि ध्यान के आध्यात्मिक लाभ क्या हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स, ध्यान का कोई धर्म नहीं है और किसी भी विचारधारा को मानने वाले इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं कुछ हूँ इस भाव को अनंत में प्रयास रहित तरीके से समाहित कर देना और स्वयं को अनंत ब्रह्मांड का अविभाज्य पात्र समझना। ध्यान की अवस्था में आप
प्रसन्नता, शांति व अनंत के विस्तार में होते हैं और यही गुण पर्यावरण को प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप सृष्टि से सामंजस्य में स्थापित हो जाते हैं। ध्यान आप में सत्यतापूर्वक व्यक्तिक परिवर्तन ला सकता है। क्रमशः आप अपने बारे में जितना ज़्यादा जानते जाएंगे, प्राकृतिक रूप से आप स्वयं को ज़्यादा खोज पाएंगे। व्यूअर्स, ध्यान के लाभ को कैसे प्राप्त किया जाए, हाउ टू एक्सपीरियंस मेडिटेशन बेनिफिट्स, मैं बताना चाहूँगा। व्यूअर्स, ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन या कुछ ही समय ले जरूर ध्यान में देना चाहिए। प्रतिदिन के दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान देने का सर्वश्रेष्ठ अंश बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं तो वो उतना ही खिलता जाता है। प्रतिदिन सभी क्षेत्रों के व्यस्त व्यक्ति आभारपूर्वक अपने कार्य को रोकते हैं और ध्यान की ताजगी भरे क्षणों का आनंद लेते हैं। अपनी अनंत गहराइयों में जाइए और जीवन को समृद्ध बनाइए। जो भी छात्र वर्ग हैं उनके लिए ध्यान बहुत उपयोगी है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स ध्यान करते हैं तो इससे उनको निम्न फायदा होगा: आत्मविश्वास में वृद्धि, अधिक केंद्रित स्पष्ट मन, कॉन्सेंट्रेशन पावर, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर मानसिक शक्ति व ऊर्जा, अधिक गतिशीलता। व्यूअर्स, ये देखा आपने ध्यान से मिलने वाले लाभ और उससे हम अपनी जीवन शक्ति को कैसे और आगे ले जा सकते हैं, अपने जीवन की खुशियों को कैसे बढ़ा सकते हैं। ना केवल शारीरिक लाभ बल्कि इससे हमारी आध्यात्मिक चेतना शक्ति भी बढ़ती है, जो हमें परम पिता परमेश्वर परमात्मा लॉर्ड ऑलमाइटी का दर्शन भी करा सकता है और हम अपने जीवन को एक सफल यात्रा में निकाल सकते हैं। धन्यवाद व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक नई वार्ता के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा। थैंक यू, बाय।